अजान अजान घर आओ। मम्मी ये टूट गई है, मैं क्या करूं? 8 दिन मुझे अब ना ही लेकर दो। आप किसी का ऐसी है, मैंने जूता नहीं लिया अजान को, ये कार खरीद कर दी थी, ये देखें 8 दिन ही नहीं हुए तो इन्होंने जो है इन्हें तोड़ दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे वर, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। जो मेरे भाई बहनें दुख में हैं, तकलीफ में हैं या किसी परेशानी में हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर करे। तो इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम भाई और बहनों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है और जो है ना वीडियो को पूरा वॉच करना है और लाइक शेयर भी ज़रूर करना है जी। तो रिवाज पहले तो मेरी तरफ से तमाम भाई और बहनों को 11वां रोज़ा मुबारक हो। तो रिवाज पहले जो 10 रोज़े थे ना, वो तो माशाल्लाह रहमत के थे। अब जो है ना ये 11वां रोज़ा जो है ना शुरू हो चुका है, ये बरकत के 10 दिन होते हैं। आज जो है ना आज की अफ्तारी मैं बना रही हूँ आलू अंडा। रिवाज ये देखें, अभी जो है ना ये मैं आलू बारीक बारीक काट रही हूँ और जो है ना अजान को मैं कहती हूँ कि अंडर अंडे जो है ना अंदर रखे थे। अजान बेटा अंडे भी ले आओ। तो असल में जो है ना अफ्तारी के टाइम जो है ना बहुत ही जल्दी करनी पड़ती है। अजान जो है ना मेरा साथ ही नहीं देता, कभी इधर खेलने चला जाता है कभी उधर चला जाता है। तो रिवार आपके सामने जो है ना ये सासू माँ भी सारे रोज़े पूरे रखती है तो इसकी अफ्तारी का भी बंदोबस्त करना पड़ता है, जो भी हमारे नसीब में होता है तो वो तो बनाना ही पड़ता है। तो यार बहुत जल्दी कर रही हूँ मैं और जो ना अजान जल्दी करो। जी तो प्यारे वाज आज जो है ना माशाल्लाह से हमारे गांव में जो है ना गंदम की कटाई भी शुरू हो चुकी है। तो वर्ष हमारी तो ज़मीन है नहीं, तो अभी जो है ना हम भी सोच रहे हैं कि हम भी गंदम की कटाई करेंगे और जो है ना माशाल्लाह से ऊपर से जो है ना रोज़ा भी रखना है और जो है ना गंदम की कटाई भी करनी है। वो भी मेहनत मजदूरी जो है ना लाजमी होती है ना, साल का जो है ना राशन बनाना पड़ता है। तो इंशाल्लाह रविवार ज़रूर कोशिश करेंगे और जो है ना रोज़े भी रखेंगे और गंदम की कटाई भी ज़रूर करेंगे। आज जो है ना हमारे सामने ही गंदम काटी है तो आज तो हमें रोज़ा था तो इंशाल्लाह रोज़े भी रखेंगे और जो है ना गंदम भी काटेंगे, मेहनत मजदूरी भी हम ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक तो प्यारे वाल असल में आलू अंडा जो है ना जल्दी जल्दी बन जाता है। चलो जो है ना मैं यही सोचती हूँ कि ये अंडा बना लूँगी ना अफ्तारी में जल्दी हो जाएगी, आसानी से बन जाता है। तो कोई और चीज़ बनाए तो बहुत काफ़ी टाइम लग जाता है ना, तो इसलिए जो है ना ये अंडा मैं बना रही हूँ अफ्तारी के लिए। अजान को मैंने भेजा था धनिया तोड़ने गया था, अभी तक अजान नहीं आया। बस बच्चों के तो काम ही ऐसे हैं, कोई काम कह दो बस अपनी खेल में लग जाते हैं।
कर लायो? धनिया, एक धनिया भी, एक धनिया। हमने पूरी क्यारियां चेक की हैं, जिसमें असल में गर्मी आ गई है ना, इसलिए धनिया जो है ना सूख गई है। बना रही हूँ, आपने देखा नहीं? अच्छा, आलू अंडा बना रही हूँ। हाँ, आलू अंडा बना रही हूँ। चलो तारी भी कर लेंगे। मुझे भी आलू रखा। नहीं नहीं, झूठ नहीं बोलते। आज जान नहीं रोजा नहीं रखा। मुझे उठाते तो आप मारा खा दो। हाँ, बहुत छोटे हैं ना। एक बार बड़ा दिन होता है रोज़। जुम्मे वाले दिन मैंने खाना नहीं खाया। मैं तो बस काम काज करती रहती हूँ, मेरा दिन तो ऐसे ही गुजर जाता है। अंडे जो है ना, मैंने इसको धो कर डालना है इनको, क्योंकि इनके ऊपर जो होते हैं ना जरासीम होते हैं। अभी तो आलू भी नरम नहीं हुए ना, आलू नरम होंगे ना अंडे डालूंगी। यान के काम देखे, इन्होंने जो है ना वर्दी भी नहीं उतारी, इन्होंने सुबह स्कूल भी जाना है। अभी भी उतार दो, मैं अफतारी करके फिर आपके कपड़े जो है ना धो लूंगी। ये तो प्यारे व्यार, अब जो है ना आलू बिल्कुल नरम हो चुके हैं। अब जो है ना इसमें डालते हैं अंडे। ये देखूंगा ज़्यादा घी डालना पड़ता है ना, घी के बगैर तो आलू अंडा बनता ही नहीं। बस आप देखें व्यवहार, रुमान और अजान और उनकी दादी जान जो है ना वो अफतारी के टेबल पर पहुंच चुके हैं। व्यवहार देखें, बस ये सालन का इंतज़ार बाकी है। बस सालन भी बन चुका है तकरीबन, बस थोड़ी सी देर है, बस अफतारी में भी बस थोड़ा सा टाइम रह गया है ना। अजान और रुमान रोज़ा तो नहीं रखते, बस ऐसे ही बैठ जाते हैं खाने के लिए। देखें मसूर ऐसे बने हुए हैं जैसे इनको रोजा हो। हम रखेंगे, हम जुम्मे वाले दिन रोजा रखेंगे। ना ना, रुमान और अजान ने एक एक रोजा रखा है, इंशाल्लाह आगे भी रखेंगे। ये बस ऐसे ही सारा खाए जाती है, इतना भी घास इनको डालो।
बाहर। आज जो है ना सावे धनिया नहीं थे ना, इसलिए जो है ना अंडा ऐसे ही लग रहा है बस। मैंने सालन भी बना लिया है, अब जो है ना मैं भी आपके साथ में बैठ जाती हूँ। अंडा ऐसे नहीं करते जी। तो प्यारे वाल माशाल्लाह से हमारा भी अफ्तारी का टाइम हो चुका है, और जो है ना मेरे तमाम भाई बहनें जो देखने वाले हैं तो इंशाल्लाह उनका भी अफ्तारी का टाइम हो चुका होगा। तो व्यूअर्स उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी, और कल मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।